तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी ये नई दुनिया। मंजिल पर वही पहुंचा है जो धैर्य से काम लेता है, मिटा देता है जो नाम तक के अंधियारों का। सुबह का सूरज उसी के नाम होता है। अखाड़े के चारों तरफ भारी भीड़ जम चुकी है। लाल झंडे में त्रिभुवन पलवान का हौसला अफजाई करने के लिए सुल्तानपुर के भारी संख्या में लोग आए हैं और त्रिभुवन पलवान अखाड़े मौजूद है। इंतजार हो रहा है सिर्फ राजू पहलवान का। और पीले झंडे में रामपुर गांव भी उमड़कर आया है राजू पहलवान के हौसला अफजाई करने के लिए। इंतजार हो रहा है, रेफरी जैसे ही विसिल बजाएंगे खेल शुरू हो जाएगा। देखिए पहला राउंड शुरू और दोनों पहलवान एक दूसरे की तरफ पड़ते हुए और रेफरी ने विसिल बजाई और यकीनन बड़ा महासंग्राम आपको देखने को मिलेगा। लगाकर माथे पर माटी जो घुर्राए तो दंगल है, पहलवानी भुजाएं साथ लहराए तो दंगल है। दांव और पेच का एक खेल अद्भुत है, निराला है कि जब दो शेर आपस में यूं टकराए तो दंगल है। पहले ही दांव में त्रिभुवन ने राजू पहलवान को चित करने की कोशिश कर दी थी। पहले से कयास लगा जा रहा था कि ये खेल बड़ा मजेदार होगा। यकीनन खेल शानदार हो चुका है, बड़ी रोमांचकारी स्थिति में कुश्ती पहुंच चुकी है और खिलाड़ी होने का भरपूर फायदा उठा रहे हैं सुल्तानपुर के पहलवान। उन्होंने बड़ी सफाई के साथ इस कुश्ती को निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। यकीनन बड़ा महासंग्राम हो रहा है, यानी इन पर भारी पड़ रहा है त्रिभुवन पहलवान।
त्रिभुवन कैसे देते हैं। कुश्ती का रंग बिल्कुल बदल गया है। यहाँ राजू पहलवान त्रिभुवन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। त्रिभुवन के दंगल में पटकला के बाद बियाहे के लवा तोहरा हाथ से मिलवाई।